हर व्यक्ति अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, परंतु उस व्यक्ति को जिंदगी क्या चीज है और जिंदगी को कैसे जीना है, उसका मूल्यांकन कैसे करना है, इस चीज का ज्ञान है ही नहीं। एक हाई को जिंदगी क्या है, अनमोल हीरा है, कौआ ना उड़ा। जिंदगी क्या है, अनमोल हीरा है, कौआ ना उड़ा। जिंदगी क्या चीज है, अनमोल हीरा है। और यदि कोई व्यक्ति अनमोल हीरे का मूल्यांकन ना करे, उस चिंतामणि रत्न को, अनमोल हीरे को कौवे उड़ाने में बर्बाद कर दे, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को आप मूर्ख ही कहेंगे। परंतु हमारे लिए यह जिंदगी मिली है और इस जिंदगी का हमें कैसा मूल्यांकन करना चाहिए, या बोलना चाहिए कि जिंदगी जीने की कला कैसी हमारी होनी चाहिए, इसका ज्ञान ना होने के कारण जैसा हमें जीना है वैसा हम जी नहीं पा रहे हैं। हमें कैसा जीना है, हम यहाँ आए क्यों हैं, और यहाँ आकर हम कर क्या रहे हैं, और यहाँ से जब हम जाते हैं तो क्या करके कैसा हमारा मरण होता है। हर व्यक्ति को मालूम है कि आए, खाए पिए, ऐश किया और चले गए। जो व्यक्ति आया और खाया पिया, ऐश किया, चला गया, उसने अपने जीवन का, जिंदगी का मूल्यांकन किया ही नहीं। बहुत दुर्लभता से यह जिंदगी मिली है, और जब तक हम जिंदगी को समझेंगे नहीं, तब तक हम जिंदगी को जिएंगे भी नहीं। कोई व्यक्ति है, कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाता है बाजार में, खाने पीने की वस्तु हो, दवाई हो, तो तीन चीज़ें अवश्य देख लेता है। पहली वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, दूसरा उस वस्तु की एक्सपायरी डेट क्या है, और तीसरा उस वस्तु की कीमत क्या है। हमने उस वस्तु को तीनों देख लिया। हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी का भी मालूम है कि मेरा जन्म कब हुआ है, परंतु उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि मेरी एक्सपायरी डेट नज़दीक आती चली जा रही है। जैनाचार्यों ने अविची मरण बतलाया है कि व्यक्ति प्रत्येक समय मर रहा है, प्रत्येक समय आयु कर्म के निशे खिरते चले जा रहे हैं, हमारा जीवन मृत्यु के पास चला जा रहा है। हमने जो सांस ली है उस सांस को छोड़ें कोई ज़रूरी नहीं, जो सांस छोड़ी है उसके बाद हम सांस लें कोई ज़रूरी नहीं। अब सोच लीजिए कि जीवन इतना अनित्य है, फिर भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मरता हुआ देखकर सोचता है कि वह मर रहा है, मैं तो अमर रहूँगा। अब सोच लीजिए कि दूसरे व्यक्ति को मरता हुआ देख लिया और क्या तुम अमर हो? नहीं, हम अमर हैं ही नहीं। व्यक्ति घर में तो बूढ़ा हो जाता है और अस्पताल में एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी डेट उसकी आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है कि यह जन्म लिया है तो मर तो हर किसी का मरना है, हर कोई मरेगा, परंतु जिस व्यक्ति ने जन्म और मरण के बीच का जो जीवन है उसको बहुत अच्छा जी लिया, तो उसका यहाँ आना भी सार्थक हो गया और उसका जाना भी सार्थक हो गया। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जिस व्यक्ति ने अपने मरण को सुधार लिया उस व्यक्ति ने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। अब सोच लीजिए कि हमारा मरण सुधरेगा तो कैसे सुधरेगा? जिस व्यक्ति ने अपना प्रत्येक समय का सदुपयोग किया, अच्छे कामों में जिया, उस व्यक्ति ने अपने जीवन की कुछ कीमत को समझा। हर व्यक्ति आज के समय में बात आती है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, कौन सी चीज़ है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी? तो बोला जाता है कि जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।
अब बतलाओ तुम यहां से चले गए और जिंदगी के बाद कैसे, चले गए और जिंदगी के बाद कैसे। जो धर्म रूपी जीवन बीमा है वह तो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है, परंतु अज्ञानी प्राणी बोलता है कि जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक व्यक्ति शादी हुई हुई पहले आता था मुनि महाराजों के पास, फिर आना बंद हो गया। एक दिन भूला भटका आ गया तो क्यों भाई कैसा क्या, तो बोलता है महाराज जी पहले तो अकेले थे तो समय मिल जाया करता था, अब दो हो गए हैं, आगे की जिंदगी के बारे में कुछ प्लानिंग करनी है। मैं तो जीवन बीमा करवाने के लिए जा रहा था और रास्ते में संत निवास पड़ गया, महाराज के पास आ गया। तो जब बात चली उससे बोला भैया जीवन का कुछ भरोसा है ही नहीं, तुम ही बोल रहे हो इसलिए जीवन बीमा करवा रहे हैं, तो एक काम करो कि कुछ नियम संयम आदि लेना शुरू कर दो, अपने जीवन को धर्म बनाना शुरू कर दो। तो वह व्यक्ति क्या बोलता है, वह व्यक्ति बोलता है महाराज यह सब तो वृद्धावस्था के काम हैं, अभी तो बाद में कुछ नियम संयम लेंगे। अब सोच लीजिए कि एक और तो उसको अनित्यता का भान हो रहा है और जीवन बीमा के लिए भाग रहा है, और दूसरी ओर जो सच्चा बीमा है उससे वह आँखें चुरा रहा है, मुँह चुरा रहा है। अब सोच लो कि ऐसी स्थिति में हम क्या यह वंचना नहीं है, वंचना ही है, छल ही है, किसके साथ हम छल कर रहे हैं। व्यक्ति आत्मा को भूल चुका है और शरीर को सब कुछ मान रहा है। जब तक व्यक्ति आत्मा को भूला रहेगा और शरीर को सब कुछ मानता रहेगा, व्यक्ति जैसा जीवन जीना है वैसा जीवन नहीं जी पाएगा। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी के यहाँ चतुर्मास हुआ है और वह एक कथा प्राय सुनाया करते थे, उन्हीं के मुख से सुना था कि एक व्यक्ति मिठाई खरीदने के लिए गया, मिठाई खरीद के जाने के लिए जैसे ही पहुँचा तो बस मिठाई वाले से बोला कि इस प्रकार की मिठाई दे दो। मिठाई लेता है तो जैसे ही मिठाई वाले ने, पहले के समय में दोना चलते थे, किसी ने देखे दोने, हाँ तो दोना चलते थे, उस मिठाई वाले ने दोने को उठाया, अच्छे से पहुँचा और तराजू पर रख दिया। अब दोना अपने आप में प्रसन्न हो रहा है कि अभी तक मेरी कोई कीमत नहीं समझी गई थी, अब मेरी कीमत जानी गई। जैसे ही उसको मिठाई रख दी गई दोने में, अच्छे से कागज़ को लपेटा गया, ऊपर धागे से बांधा गया, उस व्यक्ति ने भी उस मिठाई को लिया और अपनी बहुत अच्छी गाड़ी में हाथ में ऊपर लिए हुए दोने को पकड़े हुए है, दोना फूला नहीं समा रहा है। सोच रहा था कि अभी तक तो मेरी कोई कीमत नहीं थी, अब मेरी कीमत समझी जा रही है। जैसे ही वह व्यक्ति घर पहुंचा, घर पर अपने डाइनिंग टेबल पर बहुत अच्छे से एक सुंदर प्लेट में उस दोने को रखा गया, दोने के रखने के बाद दोना और फूल गया कि देखो तो मुझे कितना उच्च स्थान दिया जा रहा है। और जैसे ही उस मिठाई को खाया गया और दोने को मीड़ माड़ के कचड़े में फेंक दिया गया, अब मालूम चला कि कीमत किसकी थी। ऐसे ही हर व्यक्ति अपनी शरीर की कीमत समझ रहा है परंतु अपनी आत्मा की कीमत नहीं समझ रहा। आगम ग्रंथों में आता है कि शरीर क्या है, शरीर तो साधन मात्र है, साधन को साधन ही रहने दो, साधन के माध्यम से आप साधना कर सकते हैं, परंतु यदि साधन को साधन नहीं समझेंगे, साधन को ही सब कुछ समझना शुरू कर देंगे तो कभी भी कोई व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएगा और अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। सनत कुमार चक्रवर्ती का उदाहरण आता है। सनत कुमार चक्रवर्ती महाराज चक्रवर्ती महाराज हैं, उनके रूप रावण की प्रशंसा देव लोगों में भी हो रही है, स्वर्ग लोक में भी हो रही है। जब स्वधर्म इंद्र ने अपनी सभा में सनत कुमार चक्रवर्ती महाराज की प्रशंसा की
उस समय दो लोग, दो देव सोचते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्तित्व होगा, उसकी कैसी सुंदरता होगी कि जिसकी प्रशंसा चक्रवर्ती भी कर रहे हैं। देव लोग स्वधर्मेंद्र भी कर रहे हैं चक्रवर्ती की प्रशंसा। देखें, जाके देखें, पृथ्वी लोक पर आ गए और आके देखा कि सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी व्यायामशाला में व्यायाम आदि, कसरत आदि कर रहे हैं। धूल से दूषित शरीर है उनका, मिट्टी में लथपथ हैं, पसीना बह रहा है। और जैसे ही उन्होंने देखा उनके सौंदर्य को तो उनकी आँखें खुली की खुली रह गई। बोलते हैं कि जैसी प्रशंसा स्वधर्मेंद्र ने की उससे कहीं ज़्यादा उनका सौंदर्य है। जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है तो मन में कुछ गुदगुदी होती है। जैसे ही दोनों देवों ने चक्रवर्ती महाराज की प्रशंसा की, महाराज बोलते हैं कि भैया अभी तुम्हें देखा ही क्या है, तुम हमारी राजसभा में आना, उस समय आके देखना कि मेरा सौंदर्य कैसा है। और जैसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती नहा धोकर अपने आभूषणों को पहनकर राजसभा में पहुंचते हैं और दोनों देव फिर आते हैं, आकर देखते हैं और बोलते हैं महाराज अब वह बात नहीं रही। क्या इतने जल्दी, क्या अंतर आ गया, कौन सी बात नहीं रही? महाराज जो आपकी पहले सुंदरता थी अब वह सुंदरता नहीं रही। महाराज को बहुत आश्चर्य होता है कि अब तो हमारी सुंदरता और बढ़ गई है। और दोनों देव बोल रहे हैं कि अब वह सुंदरता नहीं रही। बोलते हैं क्या अंतर आ गया? तो बोलते हैं महाराज एक कटोरा मंगवाइए पानी से भरा हुआ। जैसे ही कटोरा मंगवाया गया और बोला कि इसमें आप थूक दीजिए, जैसे ही थूका गया तो अब क्या उसमें कीड़े बिलबिलाना शुरू हो गए। महाराज आपको कुष्ठ रोग हो गया है। जैसे ही सुना अपने शरीर के प्रति जितनी आसक्ति थी, जितना लगाव था, जितना मान था, जितना अभिमान था, तुरंत के तुरंत विचारधारा बदली और सोचने लगे कि शरीर को बहुत कुछ पाला पोसा, क्षणभंगुर था, धोखेबाज था, धोखा दे गया और अब क्या करना है। वैराग्य जागृत होता है और निकल पड़ते हैं संयम के मार्ग पर। वन में जाकर दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद कुड़ ने अपना असर दिखाना शुरू किया, परंतु महाराज तो इतने निरीह कि अपने शरीर से कुछ भान ही उनको नहीं रहा। फिर स्वधर्मेंद्र की सभा में प्रशंसा होती है कि शरीर से यदि कोई निष्प्रह व्यक्ति है, निरीह व्यक्ति है, तो सनत कुमार चक्रवर्ती महाराज जो मुनि महाराज हो चुके हैं उन्हें जैसी निरीता देखते रहती है। जाके वह देव फिर आ गए उन महाराज की परीक्षा लेने के लिए। वैद्यराज का रूप बनाया, आके बोलते हैं कि कैसा भी रोग क्यों ना हो मेरे द्वारा उसका इलाज संभव है, अपना इलाज करवा लो। मुनि महाराज ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान से उठते हैं, बोलते हैं महाराज आपका शरीर गलत कुष्ठ हो गया है, मवाद बह रही है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, क्यों ना आप अपने शरीर का इलाज करवा लो। महाराज बोलते हैं कि हाँ मैं चाहता तो हूँ कि मेरा इलाज हो, परंतु क्या तुम्हें, तुम्हारे पास हमारी बीमारी का इलाज है? बोलते हैं हाँ महाराज आपकी बीमारी का इलाज है। तो महाराज बोलते हैं कि भैया हमारी बीमारी जन्म जरा मृत्यु रूपी बीमारी है, उसका तुम इलाज कर दो। दोनों देव हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते हैं महाराज इसका इलाज तो आपके ही पास है, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। यह होती है कीमत, यह होता है साधन, साधन का सही उपयोग। परंतु क्या आप साधन का उपयोग कर रहे हैं? नहीं, आप साधन का उपयोग कर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारी शरीर से अत्यधिक आसक्ति है। सबसे पहले हमें छोड़ना है तो क्या छोड़ना है? सबसे पहले हमें छोड़ना है तो हमें आसक्ति को छोड़ना है।
जब तक शरीर से ममत्व भाव रहेगा तब तक शरीर से ऊपर हमारी दृष्टि हो ही नहीं सकती। कहा गया है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब उस व्यक्ति को वैराग्य होता है। कैसा वैराग्य होता है, कैसे होता है? तो कहा गया कि यदि जिस व्यक्ति ने रोगों से सामना न किया हो, उस व्यक्ति को वैराग्य ना हो तो चल सकता है। क्या? जिस व्यक्ति ने रोगों से सामना किया ही नहीं, उस व्यक्ति को वैराग्य ना हो। अभी 2 साल बहुत कोरोना छाया रहा, महामारी। हर व्यक्ति जब आजू बाजू वाले पड़ोसी को व्यक्ति को मरते देखता तो उसके मन में एक ही भावना आती कि शरीर की निस्सारता की भावना आती, शरीर की अनित्यता की भावना आती। ऐसा क्या है? ऐसा वैराग्य है। परंतु हमारा वैराग्य कैसा है? हमारा वैराग्य तात्कालिक वैराग्य है, त्रैकालिक वैराग्य नहीं है। उस समय के लिए ऐसे मन में भाव आए कि शरीर में कुछ भी नहीं रखा, आज यह चला गया कल मुझे भी जाना है, आज यह बीमार हो गया है मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ। दूसरी बात आ गई कि जिस व्यक्ति ने बुढ़ापा ना देखा हो, दूसरे व्यक्ति का बुढ़ापा ना देखा हो, आचार्य महाराजों ने कहा है अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। अर्धमृतक कैसा होता है? मृतक को तो 4 व्यक्ति उठाते हैं और बूढ़े के लिए 2 व्यक्ति पकड़ के यहाँ वहाँ करते हैं। अब सोच लीजिए कि वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है तो क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? हम भी बूढ़े होंगे। उस व्यक्ति को देखकर तो मन में भाव आते हैं कि देखो तो इस व्यक्ति ने बहुत कुछ किया परंतु अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए क्या करना आखिर हमारे लिए? तो कहा कि जो व्यक्ति अपने आत्मा के बारे में सोचना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है, उस व्यक्ति वह व्यक्ति अपने लिए बहुत कुछ कर लेता है। तीसरी बात आई कि जिस व्यक्ति ने किसी की अर्थी को कंधा ना दिया हो, किसी व्यक्ति को मरते हुए ना देखा हो, उस व्यक्ति को वैराग्य ना हो तो चल सकता है। परंतु हर व्यक्ति रोगी भी हो रहा है, बुढ़ापा भी देख रहा है, मरते हुए भी देख रहा है, अर्थी में शमशान घाट में जाकर दाह संस्कार भी कर रहा है, शमशान घाट में जाता है, उस समय कुछ भाव आते हैं कि ऐसे मुझे भी चला जाना है। परंतु फिर बाद में आने के बाद अब तो सुनने में आया कि अब वहाँ पर भी ऐसा माहौल हो गया कि हर व्यक्ति अपने मोबाइल में वहाँ पर गए तो दाह संस्कार में है, वहाँ पर कुछ चिंतन विचार करना चाहिए, परंतु वहाँ पर भी वह व्यक्ति मोबाइल में लगा हुआ होता है। यहाँ पर भी कुछ व्यक्ति लगे हुए होंगे मोबाइल में। जो हम सुन रहे हैं, जिसका हम विचार करने के लिए बैठे हैं, मोबाइल तो घर में भी चला लोगे, परंतु यहाँ पर क्या विचार करना कि हमारे शरीर की कीमत क्या है और हम जीवन कैसा जी रहे हैं, जिंदगी हम कैसे जी रहे हैं। तो जो बात आई कि जीवन में 4 बातें बहुत दुर्लभ हैं। कौन कौन सी बातें हैं दुर्लभ? तो कहा गया कि यह मानव जीवन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। मानव जीवन प्राप्त करना कैसा दुर्लभ है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि हल देखा होगा किसी व्यक्ति ने, हल को एक उसका जुआ होता है और एक दूसरा हिस्सा होता है, दोनों हिस्सों को समुद्र के एक किनारे से एक हिस्से को छोड़ा जाए और दूसरे किनारे से दूसरे हिस्से को छोड़ा जाए और कभी कालांतर में दोनों हिस्से आपस में जाकर मिल जाएं और एक हो जाएं, कितना दुर्लभ है। ऐसे ही मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। अब मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो गया, उसके बाद और क्या दुर्लभ है? तो कहा जाता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया उसके बाद धर्म श्रवण बहुत दुर्लभ है। धर्म श्रवण, सही बात, आत्मा की बात, आत्मा से बात, जो हमारा चिंतन विचार चले कि क्या हम कर रहे हैं, तो बस धर्म श्रवण भी हो गया। धर्म श्रवण के बाद क्या चिंतन है? तो कहा कि धर्म के ऊपर सिद्धांत करना और उत्तरोत्तर दुर्लभ हो जाता है। अब धर्म के ऊपर सिद्धांत भी हो गया, उसके बाद क्या
दुर्लभ है, तो कहा गया कि उस धर्म श्रवण को, उस धर्म के ऊपर जो सिद्धांत किया है उसको जीवन में उतार लेना और दुर्लभ है। अब सोच लीजिए कि इतनी दुर्लभता से हमें मानव शरीर मिला, मानव जीवन मिला, उसके बाद धर्म श्रवण भी हो रहा है, उसके बाद धर्म के ऊपर सिद्धांत भी हो रहा है, परंतु धर्म का आचरण नहीं हो पा रहा है। जब तक धर्म का आचरण हमारे जीवन में नहीं होगा, क्या होगा? किसी व्यक्ति ने कहीं जाने के लिए टिकट तो ले लिया, परंतु यदि वह ट्रेन में नहीं बैठेगा तो क्या अपने गंतव्य को पहुंच जाएगा? वह व्यक्ति अपने गंतव्य को पहुंच ही नहीं सकता। तो ऐसे ही हमें मानव जीवन मिल गया, धर्म श्रवण हो गया, धर्म के ऊपर सिद्धांत भी हो गया, परंतु ये धर्म का आचरण ना हो तो क्या अपने आप जीवन से, जिंदगी से न्याय कर रहे हैं? नहीं, जीवन जिंदगी से आप न्याय कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिकता आज के समय में खाओ पियो और ऐश करो की हो गई। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति से हर व्यक्ति, गांव के व्यक्ति मूरखचंद कहा करते थे। क्या कहा करते थे? मूरखचंद कहा करते थे। जैसे ही उस व्यक्ति अपने आप को मूरखचंद सुने, उस व्यक्ति के मन में विकल्प आता कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ परंतु मेरी इस गांव में कोई इज्जत करता ही नहीं है। सुनते सुनते बहुत समय हो गया, बेइज्जती सहन करते करते बहुत समय हो गया। अब सोच लिया कि क्यों ना मैं दूसरे गांव की ओर चल दूं और दूसरे गांव में जाकर रहने लगूं। वह व्यक्ति पैदल विहार कर रहा है, बहुत थक गया, तो देखता है कि एक कुएं के पास जाकर कुएं के पाट पर अंदर पैर लटका के वह व्यक्ति खड़ा बैठ गया उस कुएं के पाट पर। अब जैसे ही दूसरे गांव का व्यक्ति निकला और उस व्यक्ति को देख के बोलता है, क्यों भाई मूरखचंद, कैसे हो? उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं अपना गांव छोड़ आया, अपने परिचितों को छोड़ आया, फिर भी यह व्यक्ति क्यों मुझे मेरे नाम से बुला रहा है। वह व्यक्ति उसके पास जाता है, बोलता है, क्यों भाई, आप अपरिचित हो, हमसे पहचानते नहीं हो, फिर आपने कैसे कह दिया कि क्यों भाई मूरखचंद, मुझे तो मेरे गांव वाले मूरखचंद के नाम से बुलाते थे, आपने कैसे कह दिया कि क्यों भाई मूरखचंद? वह व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारे काम ही मूर्खों जैसे हैं, जब काम ही मूर्खों जैसे हैं तो मूरखचंद ना कहें तो क्या कहें? अब बतलाओ कि आप लोगों के काम कैसे हैं? हाँ, अब कोई व्यक्ति यदि आपसे मूरखचंद कहे तो क्या आप स्वीकार करेंगे? काम मूर्खों के जैसे हो रहे हैं और कोई व्यक्ति मूरखचंद कह रहा है तो बुरा लग रहा है। हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। एक दृष्टांत और आता है कि तैमूर लंग हुआ है, भारत पर उसने आक्रमण किया, बहुत ही तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति, बहुत ही खूंखार व्यक्ति, किसी व्यक्ति को भी मरवा देना बाएं हाथ का काम था, किसी को भी मरवा देता और खुशी मना लेता। एक बार वह तैमूर लंग एक व्यक्ति को, जो गुलाम था, उसको खरीदने के लिए पहुंचा और बोलता है कि भाई मैं तुम्हें खरीद रहा हूं, तुम अपनी कीमत बता दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। उस व्यक्ति ने बोला कि मेरी कीमत 50 स्वर्ण मुद्रा है। उस व्यक्ति तैमूर लंग बादशाह था, उसको बिल्कुल आश्चर्य हुआ कि हाँ, इस व्यक्ति की 50 स्वर्ण मुद्रा कीमत है। वह बोलता है कि मैं तुम्हें आज़ाद तो कर दूंगा, परंतु एक प्रश्न और है, वह प्रश्न यह है कि अब तुम मेरी कीमत बताओ। क्या? अब तुम मेरी कीमत बताओ। वह व्यक्ति बोलता है कि राजन बादशाह, आपकी कीमत 10 स्वर्ण मुद्रा। वह व्यक्ति बादशाह क्रोधित होता है, बोलता है कि तुमने अपनी सही कीमत बता दी परंतु हमारी कीमत तुमने गलत बताई, इतने का तो मैं, यह जो दुशाला ओढ़े हुए हैं उसकी कीमत 10 स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो वह व्यक्ति बोलता है, गुलाम बोलता है कि महाराज, मैंने उस स्वर्ण मुद्रा की, उस दुशाला ओढ़े हुए हो,
उसी की कीमत बताई है, आपकी कीमत तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? जिसके जीवन में दया ना हो, जिसके जीवन में करुणा ना हो, जिसके जीवन में सधर्मी बंधु के प्रति प्रेम ना हो, जिसके व्यक्ति जीवन में धर्म के प्रति आस्था ना हो, उस व्यक्ति की क्या कीमत हो सकती है? हमारे भावसागर जी महाराज थे, पहले जब संग में थे, एक बात बोला करते थे, कभी भी बोलते थे जीवन का अंतिम सत्य क्या है, तो बोला करते थे जीवन का अंतिम सत्य दो मुट्ठी राख है। दो मुट्ठी राख में आपको बदल जाना है और अपने आप की कीमत लगवा रहे हो, क्या आपकी कीमत इतनी है? यदि आपके जीवन में करुणा भाव नहीं है, दया भाव नहीं है, यदि आपको अपना जिंदगी जीने का मकसद नहीं मालूम, जिंदगी कैसे जीना है यह भी नहीं मालूम, तो आपकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं? एक खूंखार राजा और था, वह किसी व्यक्ति को कुछ भी कर दे, किसी व्यक्ति को लूट ले, उसका धन हड़प ले, उसको सुधारने के लिए उसका एक मंत्री बहुत दिनों से प्रयासरत था। किसी बात पर खुश होकर उस राजा ने उस मंत्री को एक बहुत कीमती साल भेंट किया। अब वह साल लेकर आता और एक दिन क्या हुआ कि वह मंत्री उस साल से अपनी नाक पोंछ रहा था। राजा ने देखा, बोलता है, मंत्री मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी कि तुम्हें हमने इतना कीमती साल भेंट किया और तुम उससे नाक पोंछ रहे हो। मंत्री बोलता है कि महाराज आपको भी बहुत कीमती मानव पर्याय मिली है और आप उस मानव पर्याय के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप उस मानव पर्याय से नाक नहीं पहुंच रहे हैं, व्यर्थ के काम नहीं कर रहे हैं? तो राजा की आंखें खुल जाती हैं। यदि हमें अपने जीवन को जीना है तो कैसे जीना है? तो कहा गया कि जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति न्याय से व्यापार करता है, वह व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। क्या आप न्याय से व्यापार करते हैं? आज के समय में तो व्यक्ति का ईमान 10-20 रुपए में व्यक्ति का ईमान बिक जाया करता है। अब सोच लीजिए कि यदि आप न्याय से व्यापार नहीं कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं अपने जीवन को अच्छा बनाना, क्या आपका जीवन अच्छा बन सकता है? बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद चली भी जाती है, गंदगी छोड़ जाती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अनीतिपूर्वक पैसा कमाता है, पैसा तो बहुत कमा लेता है, या तो वह पैसा व्यसन देकर जाता है, पाप देकर जाता है और आखिरी में वह पैसा बर्बाद करके चला जाता है। तो बस हर व्यक्ति सोच ले कि क्या मैं न्याय से व्यापार कर रहा हूँ? यदि जिस व्यक्ति के जीवन में न्याय नीति है, वह व्यक्ति बहुत धर्म ना भी करे तो उस व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा है। दूसरी बात कि यदि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन की कीमत समझना है, तो क्या करना चाहिए? तो कहा प्राप्त धन में संतोष करना चाहिए। आप लोग बोलते हैं ना, सुख पावे संतोषी प्राणी। हर व्यक्ति को मालूम है सुख पावे संतोषी प्राणी। आखिर संतोष से सुख कैसे मिलता है? तो कहा गया जिसके जीवन में संतोष है उसके जीवन में शांति है, और जिसके जीवन में शांति है उसके जीवन में सबसे बड़ा सुख है। अब जो व्यक्ति हाय हाय में लगा हुआ है, जीवन में भाग रहा है, इससे नहीं हो पा रहा है, कहाँ भाग रहा है, पैसे पीछे भाग रहा है, वह व्यक्ति क्या प्राप्त धन में संतोष कर पा रहा है? नहीं, वह व्यक्ति प्राप्त धन में संतोष नहीं कर पा रहा। तीसरी बात आ गई कि यदि जीवन को अच्छा बनाना है तो अपने से छोटे को देखना शुरू कर दो। हर व्यक्ति अपने से बड़े को देखता है, अपने से छोटे को नहीं देखेगा तो क्या उसका जीवन अच्छा रहेगा? अपने से बड़े को देखोगे, उस जैसा बनना चाहोगे। जो व्रत नियम संयम में अपने से बड़ा है उसकी ओर देख लोगे तो जीवन में कुछ व्रत नियम संयम आ जाएंगे। और यदि धन दौलत में दूसरों को देखोगे तो क्या जिंदगी जीने का आनंद आएगा? नहीं, जिंदगी जीने का आनंद नहीं आएगा। और फिर आई बात साधु संगति करना
शुरू कर दो। क्या साधु संगति इतनी मात कि मुनि महाराज आए, आहार करवा दिए, प्रवचन सुन लिए? नहीं, आचार्य महाराज ने मूक माटी में लिखा है, साधु की संगति में कोई व्यक्ति साधु बने या ना बने, वह व्यक्ति सज्जन जरूर बन जाता है। यदि आपके जीवन में सज्जनता आ गई तो साधु संगति करने का कुछ लाभ ले लिया, और यदि आपके जीवन में सज्जनता नहीं आई तो साधु की संगति तो ऐसे बहुत व्यक्ति कर लेते हैं, साधु की संगति सही संगति वह होती है कि आपके जीवन में परिवर्तन ला देवे। फिर उसके बाद कहा गया कि यदि जीवन को बहुत अच्छा बनाना है तो कहा गया कि कर्म फल पर आप सिद्धांत करो। कर्म फल जैसा हमने जो किया है वह फल देकर ही जाएगा। अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा। परंतु होता क्या है, व्यक्ति उपादान की ओर दृष्टि नहीं ले जाता, वह व्यक्ति तो निमित्त पर टूटना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद कहा गया कि सबसे अच्छा जीवन किसका, तो कम परिग्रह को जो व्यक्ति श्रेष्ठ मान रहा है उसका जीवन बहुत अच्छा है। अब ये 6 बातें आप लोगों को बता दी गई, परंतु आपका जीवन कैसा है इस ओर यदि आपकी दृष्टि जाए तो बस जो हाई को बोला था, जिंदगी क्या है, अनमोल हीरा है, कौआ ना उड़ा। यदि आप इन 6 बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो आप अपने जीवन रूपी हीरे से कौआ नहीं उड़ा रहे हो, परंतु यदि 6 बातें जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं तो क्या कहा गया कि यदि अभी हम कैसा जीवन जी रहे हैं और हमें कैसा जीवन जीना है, तो कहा गया कि अभी आप आसक्ति का जीवन जी रहे हो। हमें आसक्ति नहीं चाहिए, हमें अपने जीवन में वैराग्य चाहिए। जो व्यक्ति आसक्ति का जीवन जिएगा वह व्यक्ति कभी जिस जीवन को जीने का जो उद्देश्य है उद्देश्य को वह व्यक्ति भूल कर जिएगा। फिर कहा गया कि जीवन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो हमें जीवन में ममता नहीं चाहिए, हमें जीवन में समता चाहिए। अभी आप ममत्वपूर्ण जीवन जी रहे हो, समता भाव आपके जीवन में है ही नहीं। और का क्या कहा गया, तो कहा गया कि जीवन में निराशा नहीं आशा चाहिए। क्या आपके जीवन में आशा है? पैसे कमाने के प्रति तो हर व्यक्ति के जीवन में आशा है, परंतु अच्छे कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा है ही नहीं कि मैं कोई अच्छा काम कर लूं। कहा गया कि हमें जीवन कैसा हो, तो जीवन में कृपणता ना हो, उदारता हो। जिसके जीवन में कृपणता नहीं है, उदारता है, वह व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। लोभ नहीं संतोष चाहिए, और निठल्लापन नहीं पुरुषार्थ चाहिए। अभी पुरुषार्थ किस दिशा में हो रहा है, अभी आपका पुरुषार्थ विपरीत दिशा में हो रहा है। सही दिशा में पुरुषार्थ होगा तो जीवन बहुत अच्छा बनेगा, और यदि जीवन अच्छा नहीं बना तो व्यक्ति को आखिरी समय में पछतावा होगा। आखिरी समय में सोचेगा कि मैं आया था तो था, चला गया, सबके लिए सब कुछ किया, परंतु अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। हमें अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए जीना है। जो व्यक्ति अपने लिए जी लेगा वह व्यक्ति इस अनमोल रूपी अनमोल हीरे की कीमत समझेगा, अन्यथा तो कौआ ही उड़ाएगा। आपको कौआ नहीं उड़ाना है। अंत में 2 हाई को और सुनाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जवानी कहे अच्छे काम कर लो, मुझे जाना है। जवानी कहे अच्छे काम कर लो, मुझे जाना है। जवानी आई, अच्छे काम नहीं किए, चली गई, बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा क्या कह रहा है? बुढ़ापा कहे अच्छे काम किए ना, अब क्यों रोते। तो बस आपका जीवन आपके हाथ में है। अच्छे काम कर लोगे तो बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ेगा। जवानी मिली है, कहा जाता है 4 पुरुषार्थ करने के जिसके पास सामर्थ्य होता है उसे यौवन कहते हैं, और जिसके पास 4 पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य नहीं है, यौवन मिला परंतु बर्बाद कर दिया।
तो बस इन दो भाई को जीवन में उतारोगे, जवानी कहे अच्छे काम कर लो मुझे जाना है, जवानी आती है और चली जाती है, बुढ़ापा आता है और लेकर चला जाता है, बुढ़ापा कहे अच्छे काम किए ना अब क्यों रोते, रोने से पहले बुढ़ापा आने से पहले इस जवानी का सदउपयोग कर लो, इस अनमोल हीरे की कीमत आंक लो, ऐसा ना हो कि घर में बूढ़े हो जाएं और अस्पताल में एक्सपायर हो जाएं, तो बाज़ार में वस्तु देखने खरीदने जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं, एक्सपायरी देख लेते हैं, कीमत देख लेते हैं, अपने जीवन की भी मैन्युफैक्चरिंग देख लो, एक्सपायरी देख लो और उसकी कीमत भी देख लो। जिसने अपने जीवन की कीमत को जान लिया उसका जीवन अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की कर्म।